अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे समर स्पेशल नींबू का अचार। आइए देखते हैं समर स्पेशल नींबू का अचार बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए नींबू। देखिए, हमने 5 से 6 नींबू लिए, छोटे छोटे। उसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और सुखा लिया है और इसके बाद इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो बड़े नींबू भी ले सकते। और हमने लिया है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून रायका पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक 1 टीस्पून, 5 से 6 कलियां हैं लहसुन की। बघार के लिए हमने लिया है 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून मेथी के दाने, 5 से 6 कलियां हैं लहसुन की और 5 टेबलस्पून तेल। देखिए, अब हम बोल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे नींबू। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, रायका पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लहसुन की कलियां। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक या मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए, बघार के लिए हमने पैन रख लिया है, पैन गरम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। देखिए, तेल गरम हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की कलियां, अब हम इसमें ऐड करेंगे राई, जीरा, कलौंजी और मेथी के दाने। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, 1 घंटा हो गया है और बघार भी ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिए। समर स्पेशल नींबू का अचार डिश आउट करने के लिए रेडी है। देखिए, समर स्पेशल नींबू का अचार डिश आउट हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप एक ग्लास के कंटेनर में स्टोर करिए और 2 दिन के बाद यूज़ करिए। इसे आप रोटी के साथ, फुलके के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे ज़रूर एक बार बनाइए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।